अम्बाला में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का काम काफी तेज चल रहा है। वहीं एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने और फीडबैक लेने नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि एयरपोर्ट को 2 महीने में चालू करना है और अधिकारियों को भी जल्द से जल्द काम पूरा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस एयरपोर्ट को 15 अगस्त तक चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी औपचारिकताओं को भी पूरा कर लिया गया है, 2 महीने में एयरपोर्ट का काम फिलहाल पूरा हो जाएगा। एनक्लेव है वो बन रहा है और सारी जो मंजूरियां लेनी थी, क्योंकि डिफेंस के एयरपोर्ट के साथ ये बन रहा है और फ्लाइट भी उनके रनवे से ही होगी, वो सारी मंजूरियां हमने ले ली थी और उम्मीद है कि अगले 2 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा और जैसे तैयार होगा ये एयरलाइन से भी जो है एग्रीमेंट हो गया है और सारी जो औपचारिकताएँ हैं आज रात तक पूरी कर ली जाएंगी, तो 2 महीने बाद यहाँ से फ्लाइट उड़नी शुरू होगी। देखा है बड़ी तेजी से काम चल रहा है। हमारे भाई अनिल विज जी ने बहुत मेहनत करके इस लैंड को लेकर और ये काम शुरू किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये एविएशन डिपार्टमेंट मेरे पास आया है तो जल्दी से 1-2 महीने में यहाँ से हम फ्लाइट शुरू कर सके, ये हमारा प्रयास है। तो हमने इनसे वायदा लिया है, एक्सीएन साहब से, ठेकेदार से, भले ही इनका टाइम थोड़ा सा आगे तक का है, पर मैंने इनको वायदा किया है, इनसे निवेदन भी किया है कि 15 जुलाई तक ये भवन का काम कम्प्लीट करें। और 15 जुलाई तक अगर ये भवन का काम कम्प्लीट हुआ और ईश्वर ने चाहा और भाई साहब का आशीर्वाद रहा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से हम कोई डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू कर दें।